Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So today's the video all about FEL lesson 187. Topic name is constructive arguments. Okay, so let's get started today's topic, friends. So we have to go part A, read the poem. So there are two poems, so you have to read and discuss as instructed. Okay, so this is the first and this is the second poem, so read it. So we are all born in different way, how we look, what we say, from different countries around the world, different genders, boys, girls, of many sizes, colors too. So we are, you know, हम बर्न होते हैं एक डिफरेंट वे में, हम लोग बर्न होते हैं, हमारी लुक अलग होती है, हमारी यू नो जो है, हम कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई अच्छा क्लेवर होता है, किसी की मतलब की जो है वॉइस अलग होती है. सो ये जो है चीज़ें यहाँ पर इस पोएम के बारे में बताया गया है. एंड सो यहाँ पर एक सीन दिया गया है. सो इफ यू ब्रीव एंड ये वर्ड इज कलर. सो वी आर श्योर ग्लैड टू वर्क इट्स वे. द वर्ड इज सो कलरफुल. जो है वर्ड जो है सो कलरफुल है एवरी डे. एंड एवरी वन इफ एवरी वन वर सेम यू सी वुडंट बी द वुडंट बी. सो अगर हर चीज़ अगर सेम होता तो क्या होता, ये सब आपको डिस्कस करना है. एंड सेकेंड पोएम इज रिटन हियर. ओके, सो इफ जस्ट वन कलर वॉज द कलर वी हैड एवरी थिंग वॉज पर्पल. सो यहाँ पर बोला है अगर जो है सभी कलर जो होता है एक ही कलर होता है, लाइक है कोई भी ऐसे कलर में जो है एक ही सेम कलर होता है यहाँ पर तो क्या होता. तो यहाँ पर लिखा है सो कैन यू जस्ट इमेजिन हाउ डल द वर्ल्ड वुड बी. तो कितना मतलब कि जो है वर्ल्ड जो है डल लगता, कितना मतलब कि बैड लगता, तो यहाँ पर बताया गया है. तो अगर से चीज़ें सेम होता तो क्या होता, तो आपको भी यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा. So you will discuss in your classroom, I hope. So we have to go part B, constructed an argument. So you know while doing the argument, like sometimes we get topic. So while doing argument, so we have to take care some step and the words which we can use. So first step, identify the topic, research, decide which side to support, like first step you can do like identify the topic and research the topic. While getting the topic you have to research and decide the which side you are going to support. It is clear now, otherwise sometimes people are doing both sides, so it not looks good. So you have to stay with one side, and you can use this word state the arguments different with topic is disagreement. अगर जो है कि आप words को use करेंगे, जैसे कि आप डिसअग्री भी कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक आपका रहेगा तो उसको आप डिसअग्री कहेंगे. नीचे कई टॉपिक्स हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ. सपोर्ट द पॉइंट ऑफ व्यू विथ रीजन, गेट द रीडर रिकॉग्नाइज योर पॉइंट ऑफ व्यू. आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को, सपोर्ट करना है, ठीक है. और आप उसको भी रीजन भी बता सकते हैं, लाइक ऐसे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, सिंस, बिकॉज, एज सून एज, ये वर्ड्स यू कैन यूज इट. ओके, अगला क्या है, आइडेंटिफाई द प्रेजेंट्स अदर व्यू पॉइंट. अगर कोई अदर किसी भी पॉइंट, कोई अगर किसी की पर्सपेक्टिव है शेयर कर रहा है, उसके भी आपको मतलब कि जो है क्या करना है, प्रेजेंट करना है. सम टाइम्स इन केस सम पीपल वर्ड्स यू कैन यूज इट वाइल डूइंग डिस्कशन. ओके, सो यही सब चीज़ है. शोइंग लिमिटेशन अपोजिंग व्यू पॉइंट रीजन. तो जो है कि वाइल इट इज़ ट्रू अपोनेंट्स विल क्लेम सो फैक्ट वाइल ट्रू समवन में. तो क्या है दोस्तों, जैसे कि किसी की जो है अपोजिट भी रहेंगे, ठीक है, अपोनेंट्स मतलब की करेंगे ये, और पॉइंट जो है आप मतलब डायरेक्टली नहीं करेंगे, लेकिन उसके पॉइंट को थोड़ा सा वीक करने के प्रयास कर सकते हैं, और लास्ट में आप कंक्लूड करेंगे, ठीक है. और वर्ड्स आप ये डिस्कशन देयर फॉर हैंड सो ये सब एज रिजल्ट एज यू कैन यूज आई कंक्लूड दैट विच मीन्स दैट ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं वाइल डूइंग कंक्लूजन. जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है एट दी लास्ट वो कंक्लूज करना है, तो ऐसे वर्ड को यूज करके आप कंक्लूड कर सकते हैं. तो यहाँ पर एक राइट एंड आर्गूमेंट पीस ऑन द टॉपिक. ओके, सो ये देयर इज वन टॉपिक. ओके, सो यू हैव टू बी फास्ट फूड चेन शुड बी बैन फ्रॉम इंडिया. क्या फास्ट फूड्स को बैन करना चाहिए इंडिया में? तो यहाँ पर जो है आपको लिखना है, स्क्रिप्ट लिखना है, स्टेप वन में आप क्या लिख सकते हैं. तो फर्स्टली आप स्टार्ट करेंगे तो आप सपोर्ट में आ सकते हैं, या आप अनसपोर्ट में होंगे तो आप सपोर्ट आप चूज कर लीजिएगा. फास्ट फूड, यस, तो हम लिख सकते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन.
टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट दिस टॉपिक, फास्ट फूड शुड बी बैन फ्रॉम इंडिया। तो आप लिख सकते हैं यस वी शुड बैन फॉर इंडिया। और यहाँ पर दूसरा लिख सकते हैं रीजन, बिकॉज इट इज़ यू नो डूइंग बैड इफेक्ट्स आवर हेल्थ ब्रेन एंड यू नो मैनी थिंग्स यू कैन राइट इट हियर। तो अदर्स की पॉइंट ऑफ व्यू आपको लिख देना है और वीगन पॉइंट ऑफ व्यू को भी लिखना है, लास्ट में आपको कंक्लूड कर देना है, ठीक है। तो चीज़ें आप ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं, ओके फ्रेंड्स। सो देर आर सम टॉपिक्स यू कैन चूज एनी वन विथ लाइक वाइल डूइंग दिस डिस्कशन। सो यू कैन चूज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस्ड इम्पैक्ट ऑन यूथ। तो ये भी टॉपिक अच्छे हैं, अच्छा है। और एजुकेशन शुड बी फ्री द ऑल, फ्री टू ऑल। तो जो है क्या मैं शिक्षा एजुकेशन को फ्री कर देना चाहिए सभी के लिए, ये भी टॉपिक ठीक है, ओके। और एक टॉपिक इसमें है मनी और हैप्पीनेस, मनी और हैप्पीनेस कैन मेक अस हैप्पी। जो है मनी और अथवा हैप्पीनेस कैन मेक हैप्पी, तो यह क्या आपको हैप्पी कर सकता है मनी। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं यू हैव टू डिस्कस इन योर यू नो डूइंग ग्रुप डिस्कशन। तो आप क्या करनी, किसी आप किसी पक्ष के सपोर्ट में रह सकते हैं, अनसपोर्ट में रह सकते हैं, इसी तरीके से आपको ग्रुप डिस्कशन करना है, ओके। तो जैसे यहाँ पर यानी टॉपिक्स जैसे कॉन्फिडेंस वर्सेज नॉलेज। सो आप कॉन्फिडेंस मतलब कि कोई कॉन्फिडेंस के ऊपर बोलेगा, कोई नॉलेज के ऊपर बोलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको कॉन्फिडेंस के ऊपर बोलना है, नॉलेज के ऊपर। कुछ टॉपिक्स अच्छे हैं, आपको डिस्कशन करना चाहिए, ठीक है। हाउ टू क्रिएट मोर मोर जॉब्स इन रूरल एरियाज, इसके भी आप वहाँ पर करना है, ठीक है। तो यही सब है, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल। आप ये सब टॉपिक्स आप क्लियर कर लेंगे और वहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी टॉपिक्स जो है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अभी कॉन्फिडेंस नॉलेज के ऊपर सिलेक्ट करके रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद उस पर जो है आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर रख सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, आसान है, ठीक है। दो पोएम रहेंगे, उसको आप डिस्कस कर लीजिए, और आसानी से दो पोएम बहुत ईजी हैं। और ये स्टेप हैं वो ग्रुप डिस्कशन करने के जो है स्टेप हैं, आर्गूमेंट करने के स्टेप हैं। और ये जो है एक जो है इसी तरीके से आप बनाएंगे, कंक्लूड करेंगे, जैसे कोई भी आपको टॉपिक रहेगा इसी तरीके से स्टेप वन स्टेप टू बनाएंगे, इसी तरह से आप यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन करेंगे। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, तो आपको वहाँ पर एडवांस लेवल की सभी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेंगी, ठीक है। एडवांस लेवल जो है मैं ही पढ़ाया हूँ, तो एडवांस लेवल आप जाके देख सकते हैं कि अच्छे वे में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।